अगर हम सिर्फ अपने हाथ को मसलते रहेंगे और परेशान और रोते रहेंगे कि मेरा घर तोड़ दिया गया है, मुझको कोई बचाने नहीं आया, तो याद रखो नौजवानों, तुम इस दीवाने की बात अपने जहन नशीन कर लो कि तुम जब तक जमहूरियत में सियासत में हिस्सा लेकर मजलिस के नुमाइंदे नहीं बनोगे, तुम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है और अगर तुम मजलिस के नुमाइंदे बन जाओगे तो मसाइल खत्म हो जाएंगे, ना इंसाफी खत्म हो जाएगी। मैं तुमसे ये वादा कर रहा हूं कि अगर आप निचली सतह से जमीनी सतह से अपनी क़यादत को बनाएंगे तो आप अपने लिए और आने वाले मुस्तकबिल के लिए आप अपने एक नेता को तैयार करेंगे, एक लीडर को तैयार करेंगे, एक खायद को तैयार करेंगे कि जब कभी किसी की भी सरकार होगी, चाहे कमलनाथ की सरकार होगी या फिर मौजूदा चीफ मिनिस्टर की सरकार होगी, बताइए आज कौन आवाज उठाता है नाइंसाफियों के खिलाफ? आप बताइए कौन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश की असेंबली में आपके नुमाइंदे जरूर हैं, मगर बताओ जो बेबाक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर आप आवाज क्यों नहीं उठाते? बल्कि मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उनका एक वीडियो आज भी है जिसमें मुसलमानों से मुखातिब होकर कमलनाथ कह रहे हैं कि आप लोग खामोश रहिए, कुछ मत बोलिए, खामोश रहिए। ये मिजाज कांग्रेस का हो सकता है कि खामोश रहो, ये मिजाज उन कमजोर लोगों का हो सकता है जो वक्त के हुक्मरानों से डरते हैं। मैं आपको मिजाज दे रहा हूं कि संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि जमहूरियत के दायरे में रहकर आप अपनी आवाज को उठाएंगे, आप मजलिस को कामयाब करेंगे तो वो खामोशी टूटेगी, वो सन्नाटा खत्म होगा और जवाब होगा कमलनाथ को, जवाब होगा भाजपा को। एक तरफ कांग्रेस हमसे कहती है कि खामोश हो जाओ, दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि आवाज अगर उठाओगे तो घर तोड़ दिया जाएगा। मैं भोपाल की सरजमीन में बरकतुल्लाह खान के जानशीनों के दरमियान में खड़े होकर भाजपा और कांग्रेस को कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं पुकारता रहूंगा और आवाज लगाऊंगा, क्योंकि भारत का संविधान मुझे और आपको सबको इजाजत देता है कि आप आवाज उठाएं। जमहूरियत के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद करो, बल्कि याद रखो तशद्दुद रास्ता नहीं है, वोट डालना और सियासी क़यादत बनाना रास्ता है। तशद्दुद से कोई चीज हासिल नहीं होती। अगर हासिल करना है नौजवानों तो सियासी लीडरशिप को बनाओ। मैं यहां पर आया हूं और अल्लाह ने जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं भारत के कोने कोने में जाता हूं। आज भोपाल को आया हूं, फिर आऊंगा, मगर मेरा मकसद क्या है कि तुम आज जो खड़े होकर ओवैसी का भाषण सुनकर नारे लगा रहे हो, कल तुम यहां खड़े होगे और जनता तुम्हारा नाम लेकर नारा लगाएगी। ये मेरा ख्वाब है। क्या आप नेता नहीं बन सकते? क्या आप लीडर बनेंगे? क्या आप मध्य प्रदेश के लीडर बनेंगे? क्या आप भाजपा और कांग्रेस की आंखों में आंखें डालकर अपना हक का मुतालबा करेंगे? तो फिर जब आपने वादा किया है तो नेता बनो,
लीडर बनो, कायद बनो, मैं तुम्हारे पीछे चलने को तैयार हूं, मैं तुमको कायद देखना चाहता हूं, मैं तुमको भारत का सबसे बड़ा नेता देखना चाहता हूं, मैं तुमको मध्य प्रदेश में मेले के तौर पर देखना चाहता हूं, मैं तुमको एक संसद के रूप में देखना चाहता हूं, मैं तुमको यहां पर एक रुकन बल्दिया के तौर पर मुंतखब होते हुए देखना चाहता हूं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, यही मेरी दिल की तड़प है, यही मेरी जमात के रुफकाओं की कोशिश है। आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। आप याद रखिए, अगर कोई कांग्रेस के पीछे दौड़ रहा है और ये समझ रहा है कि कांग्रेस उसका साथ देगी, कांग्रेस साथ नहीं दे सकती, याद रखो। बल्कि मध्य प्रदेश में, पूरे मुल्क में कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। भाजपा और कांग्रेस ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख है, मेरी बात को याद रखो। आप अभी मैं आ रहा था तो मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा कि कांग्रेस के लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आप बी टीम हैं। मैं भोपाल में खड़े होकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से पूछ रहा हूं, बताओ कमलनाथ, जब आप मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के 20 विधायक एमएलए कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए, क्या वो असदुद्दीन ओवैसी के हाथ से गुलाब जामुन खाकर मामा को मुख्यमंत्री बनाए? बताओ कमलनाथ, तुम्हारी पार्टी के लोग अपना जमीर बेचकर भाजपा में चले गए, तुम्हारे कांग्रेस के एमएलए जिन्होंने विश्वासघात किया मध्य प्रदेश की जनता से और भाजपा में चले गए, मगर कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी पर, अमित शाह पर तनकीद करे तो उंगली उठाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे मैं काटने नहीं आया हूं, सुन लो भोपाल की जनता, सुन लो भाजपा कांग्रेसियों, मैं काटने नहीं, मैं अपना हक लेने आया हूं, मैं काटने नहीं जोड़ने आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस के 20 विधायक, कांग्रेस के 20 विधायक चले गए और फिर सिंधिया चले गए और मंत्री बन गए, इसका जिम्मेदार कौन है, बताओ कमलनाथ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको हालात को तब्दील करना है, और हालात कैसे तब्दील होंगे आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट अगर कम है तो मुसलमानों का है। बताओ भाजपा के लोग, जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, आपने मध्य प्रदेश में मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज को तालीम याफ्ता करने के लिए आपने क्या इंतजाम किया? तो भाजपा के तरफ से आवाज आएगी, ओवैसी हमने स्कूल नहीं खोला मगर घर तोड़ दिया बुलडोजर से हमने। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली क्लास से 12वीं क्लास तक 1.62 करोड़ 1.60 लाख के करीब इन तमाम में बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, पहली और 12वीं जमात के दरमियान में। इसमें मुसलमान कितने हैं बताओ? भाजपा आप सत्ता में है, इसमें मुसलमानों का परसेंटेज 4.65 है, 4.65 है। बताइए देश के प्रधानमंत्री, क्या ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास है? आपके वादे झूठे हैं भाजपा के, बल्कि यूडीआईएससी की रिपोर्ट है 2019 और 20 की, जिसमें क्या कहा गया कि प्राइमरी लेवल में मुसलमान 5%, अपर प्राइमरी में 4.78%, सेकेंडरी लेवल में 3%,
हायर सेकेंडरी में 3.44%। बताओ कमलनाथ, आप भी तो मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्या किया? कांग्रेस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जो बच्चे स्कूल के बाहर ड्रॉप आउट हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी के हैं तो मुसलमानों के हैं। बताओ भाजपा और कांग्रेसियों, इसका जिम्मेदार क्या मैं हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हायर एजुकेशन में पूरे मध्य प्रदेश में डिप्लोमा डिग्री पीजी पीएचडी में 21,80,000 के करीब लोग पढ़ते हैं। कितने मुसलमान हैं उसमें? सिर्फ 44,290। बताओ क्या मैं जिम्मेदार हूं? तुम हमको पढ़ने का मौका क्यों नहीं देते? ओवैसी की और मंदलिस की लड़ाई यही है कि अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, आदिवासियों को शिक्षा का इंतजाम किया जाए, जो ना भाजपा ने किया, जो ना कांग्रेस ने किया। तुम बहुत साल हमारे माओ को, हमारे बाप को, हमारे बुजुर्गों को तुमने रातों में जगाया हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अब असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी रातों की नींद को खत्म कर देगा। सुन लो कांग्रेसियों, तुम जागोगे और हम सोएंगे, मैं जागूंगा और लड़ूंगा तुम्हारे लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप हमारा साथ दीजिए। आज मध्य प्रदेश की सियासत में, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तीसरा विकल्प के तौर पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उभरेगी। क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, आज आप वादा करके जा रहे हैं,